नमस्कार, मैं नवीन राजवाल, खबर 24 न्यूज में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं खबर विस्तार से। खबरों का रुख करते हैं बड़ी खबर के साथ। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं राजस्थानी गोल्ड मसाला। झालावाड़ जिले के बकानी कस्बे सहित क्षेत्र में लगातार चोरियों की वारदात हो रही है, जिसे लेकर पुलिस चोरों को गिरफ्तार करने में असफल हो रही। चोर द्वारा लगातार बड़ी बड़ी चोरी की घटना को अंजाम देते आ रहे हैं और पुलिस हर चोरी के खुलासे में असफल हो रही है। इसी के चलते आज फिर दिन दहाड़े माचलपुर रोड स्थित सेंट्रल बैंक के सामने एक व्यक्ति के 1,50,000 रुपये से भरा बैग चोरी हो गया। जानकारी के अनुसार बद्रीलाल पिता नानूराम जाति तवर निवासी किधरपुरा ग्राम पंचायत कुशलपुरा थाना बकानी ने बताया कि मैं अपने घर से 2,30,500 रुपये लेकर आया था, जिसमें से 78,000 मैंने बैंक में जमा करा दिए और 2,000 खर्चे के ऊपर जेब में रख लिए। बाकी बचे 1,50,500 रुपये मैंने मोटरसाइकिल के बैग में रख लिए और किसी को जमीन के पैसे देने जा रहा था। तभी बैग में हाथ डालकर देखा तो मुझे थैला खाली दिखाई दिया, जिसकी मैंने सभी रास्तों में तलाश की। नहीं मिलने पर बकानी थाने में उपस्थित होकर मामला दर्ज कराया। चोरी की सूचना पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और आसपास के सभी सीसीटीवी फुटेज तलाशने में लगी हुई। क्या नाम है आपका? बद्रीलाल। क्या मामला हुआ आज आपके साथ? 2,30,000 रुपया और 500 रुपया, 2,30,500 रुपया मैं घर से लाई था जी। फिर जो मैं 80,000 में 2,000 रुपये कम तो वहाँ बैग में डाल दिया। हाँ। और 2,000 खर्चा का निकाल लिया। हाँ। 2,000 खर्चा का निकाल लिया कि 1,50,500 रुपया मैंने थैला में दे रहा था। कौन से थैले में रखे थे आपने? थैलो है पाउडर का लीला थैला गाड़ी के अंदर। हाँ, जो गाड़ी के अंदर दर दिया उस थैला को बैग में। बैग में दर कर पलट के चल रहे थे मैं बैंक के सामने से। कौन सी बैंक के सामने से जा रहे थे? सेंट्रल बैंक। अच्छा, फिर वहाँ से पलटे में जो चले थे राम, थोड़े घंटे फोन आ गया, जो फोन पर बात चाल बल आ गई। आगे मुंडो मारा आगे मुंडो तो गाड़ी पे और उनके फोन पे बात चाल रही, जो मैंने की को बैटरी जी को बैटरी कर बेचिया खतरा में मैं चाल पड़िया जो थाना के बांधने में। किसी को देखा कि आपने पैसा ले जाते हो? पैसे मैंने वहाँ होटल पर गिना 20,000 रुपये अलग गणकर फिर उनमें भाची थैला में दरिया था। तो किसी को देखा क्या आपने? नारा ने वहाँ होटल पे छह पीरता जहाँ देखते हैं। फिर हाँ फाचे हुए एक चोरों वो तो उन थैलो दर्द तो उन देख लिए। चौमेला जिला विधिक सेवा प्राधिकरण निर्देश पर हक हमारा भी है अभियान तथा राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के अवसर पर तालुका विधिक सेवा समिति चौमेला के अध्यक्ष राजपाल मीणा के मार्गदर्शन में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन मल्हारगंज स्कूल सार्वजनिक स्थान तिराहे पर शिविर आयोजन किया गया। शिविर में उपस्थित छात्र छात्राओं आमजन को पीएलवी संजय राठौर और पैनल लॉयर रतन लाल राठौर ने उनके अधिकारों कर्तव्यों के आगामी 12 नवंबर को आयोजित होने वाली लोक अदालत की जानकारी दी और अपने परिचितों के अदालत में चल रहे राजीनामा योग्य मुकदमों को लोक अदालत के माध्यम से हल करवाने की समझाइश की, जल कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। शिविर में एडवोकेट भूपेन सिंह, कामिल मिर्जा, गोविंद सिंह ने सहयोग दिया और छात्र छात्राओं को शिक्षा का महत्व बताया और बाल विवाह के दुष्प्रभावों से अवगत करवाया। गंदा सर्किल के उनेल थाने के कचनारा के पास व्यापारी मनीष जैन ने रास्ते में करीब 28 लाख की लूट हुई। बीती शाम को हुई लूट के मामले में जिला पुलिस उपाधीक्षक घटना स्थल पर पहुंचे और मामले की तहकीकात की और आवश्यक दिशा निर्देश अधीनस्थों को दिए। आपको बता दें कि 10 नवंबर 2022 की शाम को बड़ौद निवासी मनीष जैन चौमेला में अपनी फसल बेचकर बड़ौद मोटरसाइकिल से जा रहे थे, तभी उनेल थाना क्षेत्र के चोर बड़ी कचनारा गांव के बीच उसके साथ लूट की वारदात को बदमाशों ने अंजाम दिया था। तरीके से घटना घटित हुई आपके साथ? डिप्टी साहब थाना से आया आ रहा था पेमेंट लेके, तो रास्ते में 3 अज्ञात बदमाश लट लेके खड़े थे और बाइक पे उनने मेरे बाइक पे हमला किया लठ से जी, और एक दोनों ने पकड़ के बैग छीना छपटी किया, उसके बाद उन्होंने माउजर निकाली और मेरे ऊपर चलाने की कोशिश करी और फिर वो लठकी मार के भाग गए बैग लेके तीनों गंदार की साइड जी। कितने रुपए थे? 28 लाख रुपए। 28 लाख रुपए। क्या नाम है आपका? मनीष। कहाँ के निवासी हो? बड़ौद। ये पेमेंट काई का था? सोयाबीन। अच्छा, सोयाबीन बेच के आप बड़ौद जा रहे थे, है ना? मध्य प्रदेश के आगर जिले का बड़ौदा थाना, उसके निवासी है मनीष जैन करके,
वो यहाँ पर अनाज का व्यापारी है और यहाँ के स्थानीय जो गन्नेदार के व्यापारी हैं उनको अनाज का व्यापार वो करता रहता है। तो उसने ये बताया कि मैं गंगधार से 14-14 लाख रुपए दो व्यापारियों से लेकर के और मेरे गांव जा रहा था बड़ौदा। ये जो इसने शॉर्टकट रास्ता अपनाया जो बिल्कुल आउटसाइडर रास्ता है और इसमें आम आवाजाही कम है, उस रास्ते पर ये मोटरसाइकिल से जा रहा था। तो बॉर्डर पर, बॉर्डर से करीब जो मध्य प्रदेश का बॉर्डर उससे करीब 3-1 किलोमीटर पहले कचनावर के पास में इसके साथ में इसका कहना था कि एक मोटरसाइकिल पर 3 व्यक्ति आए और उन्होंने मेरे एक लाठी की मारी और मेरे से बैग छीन करके ले गए। इसके बाद इसने स्थानीय लोगों के फ़ोन से अपने जानकारों को फ़ोन किया और उनके माध्यम से थाने पर सूचना मिली। इस पर मैं खुद एडिशनल एसपी मौके पर पहुंचा, सीओ भवानी मंडी, सीओ गंधार और हमारे आसपास के सभी एसएचओज को मौके पर बुलाए गए और हमने टीम गठित करके इसको ट्रेस करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं और हमारे संदिग्धों पर पूरी निगरानी इसमें रख रहे हैं। पिस्टल की भी जानकारी मिल रही है ऐसा उसका कहना था, लेकिन वो स्पष्ट नहीं कर पाए कि पिस्टल कहीं चलाई हो या ऐसा कोई अलामत वहाँ को मिला नहीं, ना इसके कोई ऐसी चोट है इसमें पिस्टल उसका कहना था ऐसा दिखाई पिस्टल टाइप की लग रही थी, लेकिन पिस्टल हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है उसका ये कहना था, पिस्टल चली नहीं थी। खबरों में फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, तब तक देखते रहे खबर 24 न्यूज। नमस्कार। इस बुलेटिन के प्रायोजक थे राजस्थानी गोल्ड मसाला। पानी मंडी में नई वैरायटी के साथ खुल गया है गोल्ड कलेक्शन। दिवाली ऑफर, कपड़ों पर 5,000 की खरीद पर 5% की अतिरिक्त छूट। यहां वैरायटी है जींस, टी शर्ट, लोअर और इत्यादि रेडीमेड गारमेंट। एकमात्र स्थान रेलवे स्टेशन रोड, एसबीआई बैंक भवानी मंडी के पास। प्रोप्राइटर है सोनू गोल्ड, जिनका मोबाइल नंबर है 7296358771। शंकर गोड, जिनका फोन नंबर है 9983275877। मोनू गोड 6367603716। एकमात्र स्थान गोड कलेक्शन, भवानी मंडी रेलवे स्टेशन रोड, एसबीआई बैंक के पास। तो चले आइए, देर ना कीजिए, हर तरह की वैरायटी यहां रेडीमेड की उपलब्ध है। आवासीय कॉलोनी आशियाना बनाने के लिए श्री खाटू श्याम आवासीय कॉलोनी का हुआ है शुभारंभ। स्थान है बांडियाबाग शनि मंदिर गोपाल गौशाला के समीप। सुविधा युक्त कॉलोनी, सुविधा है 40 फीट व 30 फीट चौड़े सीसी रोड, स्ट्रिक्ट लाइट पोल, राज्य सरकार के नियमानुसार आवासीय कंट्रेक्टर कॉलोनी, बैंक के नियमानुसार ऋण हेतु अप्रूवल कॉलोनी, पार्क, पब्लिक सुविधा हेतु आरक्षित भूमि, नाली हरियाली से पौधारोपण सुविधा युक्त। आपको अगर प्लाट खरीदना है तो इन नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं 9414206789152788 9414222003। हमारा पता है बांडियाबाग मंदिर बाईपास रोड भवानी मंडी। तो चले आइए, देर ना कीजिए, आवासीय कॉलोनी सुविधा युक्त भवानी मंडी।